नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रह स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में मकर राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है, और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मकर राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको ग्रह स्थितियों की से अवगत करा रहे हैं, आपके ऊपर ग्रह स्थिति कैसी बनी हुई है। उससे पहले हम आपको बता दें, आपके ऊपर शनि जन साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, तीसरा चरण चल रहा है। तो जिन मकर राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर शनि की प्लेसमेंट खराब बनी हुई है, उनको पारिवारिक समस्याएं चल रही है, धन को लेकर समस्याएं बनी हुई है, तथा शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर जा रही है, तो आपके जीवन में कर्म आप ज्यादा कर रहे हैं, कर्म मेहनत आप ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन परिणाम जो है वो आपको कम या ना के बराबर भी मिल रहा है। इस प्रकार की अवस्था मकर राशि के जीवन में बनी हुई है। तो ग्रहों की अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए शनि और मंगल जो हैं वो आपके द्वितीय भाव पर विराजित रहेंगे, राहु देव शुक्र के साथ आपके राशि के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर रहने वाले हैं, केतु देव आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर गोचर करने वाले हैं, देव गुरु बृहस्पति सूर्य और बुध के साथ आपके राशि के चतुर्थ भाव पर गोचर करने वाले हैं। इसमें बुध देव जो हैं वो 19 तारीख तक अस्त अवस्था में रहेंगे, 19 को ये उदित होने वाले हैं आपके चतुर्थ भाव पर। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर मकर राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलना है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के मामले में स्थिति आपके जीवन में कैसे जाने वाली है। देखो, कर्म भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक उच्च राशिगत होकर गोचर कर रहे हैं। वहीं वर्तमान में आपके कर्म भाव पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव भी पड़ने वाला है। स्वयं सूर्य का प्रभाव आपके कर्म भाव पर बना हुआ रहने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में उत्साहित होकर मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत का भरपूर परिणाम आपको देखने के लिए भी मिलने वाला है। मकर राशि वाले जातक, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र के संदर्भ में यदि आप शुक्र जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो 24 तारीख तक आपके जीवन में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा या व्यापारिक क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। और मकर राशि वाले जातकों, जोखिम भरा यदि आप काम कर रहे हैं, देखिए ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में यदि आप संलग्न होते हैं तो आपको काफी सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में
जो आपके राशि के धन भाव के स्वामी हैं वो शनिदेव ही माने जाते हैं, और शनि महाराज वर्तमान समय में आपके धन भाव पर ही विराजित हैं। वहीं जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, यानी मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं, मंगल की अवस्था शनि के साथ बनी हुई है, तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक चुनौतियों से निकलने का अवसर भी इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। मकर राशि वाले जातकों, परिवार के ऊपर आपके धन का प्रबल व्यय भी होने वाला है। साथ में इस समयावधि में जो आपका धन संचय है उसमें भी खर्च बढ़ने वाला है। देव गुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव आपके ऊपर है। इस समयावधि में यदि आपका संपर्क विदेशों से है, विदेशों में रहकर यदि आप कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, मकर राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन को लेकर समय मिला जुला प्रभाव आपको इस समयावधि में देने वाला है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव पर शनि और मंगल की विपरीत युति बनी हुई है। देखिए, दोनों ग्रहों का जो स्वभाव है परस्पर विपरीत है, तो आपके परिवार में व्यर्थ की नोकझोंक भी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में समर्पण का अभाव रहेगा, परिवार में भाग दौड़ ज्यादा बन सकती है। मकर राशि वाले जातकों को पारिवारिक संबंधों में इस समयावधि में शुभता अर्जित करने के लिए भाग दौड़ करना होगा। साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियों को आपको बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी, निभाने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। साथ में मकर राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में पारिवारिक जीवन में लगातार कलह का अनुभव कर रहे हैं, उससे भी आपको निजात भी जरूर मिलने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव आपके फोर्थ हाउस पर उच्च राशिगत होकर गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में शिक्षा के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय काफी निर्णायक, काफी शुभकारी रहने वाला है। उसकी वजह है आपके पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए परीक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के अवसर आपको मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मकर राशि वाले जातकों के पंचम भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है। रिश्तों में उत्साह की भावना का विकास होगा और प्रेम जीवन में सकारात्मकता काफी ज्यादा आपको मिल सकती है, तथा वैवाहिक जीवन के मामले में यदि मकर राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, मकर राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन आपको मिला जुला प्रभाव देने वाला है। यदि आप प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में स्थायित्व प्राप्त करने में और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करने में इस समयावधि में आप काफी सफल भी रह सकते हैं। पुराने समय से चली आ रही सभी प्रकार के समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में रहने वाला है। इस समयावधि में यदि मकर राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, स्वास्थ्य के मामले में मकर राशि वाले जातकों के लिए समय सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। आपके राशि के स्वामी शनिदेव द्वितीय भाव पर मंगल के साथ प्रभावी हैं। वर्तमान में मकर राशि वाले जातकों को आंखों में जलन, दांतों में दर्द, पेट जनित समस्या, हड्डी जनित समस्या तथा मकर राशि वाले जातकों के मन में अशांति, ये सभी चीजें आपको शनि के साढ़े साथी के प्रभाव से मिलेगी। और वर्तमान में जो आपके रोग भाव के स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं, और बुध 19 अप्रैल तक अस्त अवस्था में रहेंगे, तो 19 अप्रैल तक तो आपको खास सावधानी जीवन में रखनी चाहिए। मकर राशि को करना क्या चाहिए, इस समयावधि में आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें, सोने जागने की आदत का ध्यान रखें। साथ में मकर राशि वाले जातक अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें,
मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और मकर राशि वाले जातकों इस समयावधि में आपको गलत खान पान से बचना चाहिए, जैसे शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन सभी चीजों का यदि आप सेवन करते हैं, इन सभी चीजों से अपने आप को दूरी बनाकर रखें तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगर आपको उपाय की जानकारी दिया जाए, मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना शुभ रहने वाला है। राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं तो प्रत्येक दिन आप शनि के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो आपके लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथाउचित यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी शुभकारी बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।